वेलकम टू गोल्डन बर्ड अमेजिंग इंडिया। आज दोस्तों हम एक ऐसे मंदिर की बात करने वाले हैं जो केवल पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें ना सीमेंट है, ना मिट्टी है, ना चूना है, ना कोई गारा है, और एक के ऊपर एक पत्थर टिका हुआ है और मंदिर अभी तक नहीं गिरा है, जो काफ़ी बरसों पुराना है। बहुत ही प्राचीन समय से बना हुआ मंदिर है और कहते हैं कि इसे भूतों ने बनाया। इस कहानी का हम विश्लेषण करेंगे। आइए दोस्तों, इस कहानी को भी हम सुनेंगे, देखेंगे क्या कहानी रही होगी इस मंदिर को बनाने के पीछे। और दोस्तों, काफ़ी तूफान या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, फिर भी ये मंदिर अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ है। तो आइए दोस्तों, इस मंदिर की खासियत जानते रहने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। इस मंदिर का नाम है ककनमठ मंदिर और ये चंबल संभाग के मुरैना जिला के सिहोनिया क्षेत्र में है। सिहोनिया गांव का नाम है या जगह का नाम है। सिहोनिया में ये मंदिर बना हुआ है और ये 1100 यानी कि 1100 साल पुराना मंदिर है। फिर भी आज भी क्यों टिका हुआ है, पत्थर पे पत्थर रखा हुआ है, फिर भी कुछ भी नहीं लगा है, फिर भी कैसे टिका हुआ है दोस्तों, बड़ी आश्चर्य की बात है। दोस्तों आइए आगे इस मंदिर की बात करते हैं। इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। ये 11वीं शताब्दी में बना हुआ था, लगभग 11वीं शताब्दी में मानते हैं। उसमें ना गारे, चूने या सीमेंट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं हुआ है। पत्थर को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। कई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, मंदिर ज्यों का त्यों बना हुआ है और रात में ये मंदिर लोग मानते हैं कि वीरान रहता है। यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, ऐसे ही सुनसान पड़ा रहता है। देखिए मंदिर दोस्तों, एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है, फिर भी देख सकते हैं आप लोग बहुत गौर से। बहुत ही शानदार मंदिर लगता है ना दोस्तों। और इसे इसके पीछे जो भूतों की कहानी है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए आप लोग मंदिर को देख सकते हैं अच्छे से, एक के ऊपर एक पत्थर रखा हुआ फिर भी नहीं गिरते हैं। कितनी आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी आ जाए, बारिश होती रहे, फिर भी ये मंदिर का एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलता है। देखिए दोस्तों, एक और चित्र है अपने पास, अच्छा सा देखते रहिए। और इसके निर्माण की पीछे की कहानियाँ सुनते हैं अभी। पहली थी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने इसे बनवाया था। पहली जो कहानी है, मान्यता रही है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनवाया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। दूसरी कहानी है कि जो शिवगण थे, यानी कि शिव के जो गण थे, भक्त थे, उन्होंने एक रात में इसको बनाया था और ये अधूरा रह गया था। यानी कि जब तक ये बनाते रहे तब तक सुबह हो गई थी और ये पूरा नहीं बन पाया था, तो ये इस मंदिर को ऐसे ही छोड़कर चले गए थे। इसके जो ऊपर है शीर्ष पर, इस पर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है दोस्तों। अच्छे से देखेंगे आप फोटो ऊपर तो आपको पता चलेगा, एक शीर्ष पर एक पत्थर रखा हुआ है जिसे जो बहुत ही वजनदार है और इसे कोई आम इंसान उस टाइम में 11 साल पुराने समय में कौन रख पाएगा। ना कोई मशीनरी थी, ना कुछ, कैसे रख पाएगा, यानी कि ये आम इंसान के बस की बात नहीं थी। तो शायद ही इसके पीछे कोई भी कहानी सत्य हो सकती है। और एक और कहानी है, राजा सोनपाल की पत्नी थी रानी ककनावती। ककनावती से शायद जो ककनमठ मंदिर नाम पड़ा हो। रानी ककनावती थी, वो शिव भक्त थी, शिव की, भगवान शिव की भक्त थी। इसके और उनके आसपास कोई मंदिर नहीं था शिव भगवान का, तो उनकी भक्ति को देखकर राजा सोनपाल थे, उन्होंने मंदिर निर्माण का निर्णय ले लिया था। और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक मंदिर तो उन्होंने, एक जो कहानी है वो राजा सोनपाल ने बनवाया, और दूसरी जो कहानी है उस जो भगवान शिव थे, उन्होंने रानी ककनावती की से भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने आदेश दिया उनके भक्तों को, फिर उन्होंने निर्माण करवाया मंदिर का। वही कहानी है दूसरे नंबर की। और जब निर्माण पूरा नहीं हो पाया और दिन निकल आया तो उन्होंने अधूरा मंदिर छोड़कर चले गए, लेकिन मुख्य मंदिर था जिसमें भगवान शिव हैं वो पूरा हो चुका है और जो सहायक मंदिर थे आसपास वो अधूरा रह गया है। फिर भी ये दोस्तों आज भी टिका हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और आगे भी ऐसे मंदिर, भारत के दर्शनीय स्थल और भारत की बहुत ही शानदार गौरवमयी जगह को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।